दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मैं आपसे बात करने चला हूं इस वीडियो के अंदर हरियाणा के एक ऐसे राजनेता की जो लगभग 5 दशक से भी ज्यादा समय से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे राजनेता जिन्होंने कई चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव लड़े, विधानसभा के चुनाव लड़े, सीटें बदल बदल कर चुनाव लड़े, लेकिन मात्र 2 बार वो हरियाणा की विधानसभा में पहुंच पाए, 1 बार राज्यसभा में पहुंचे, लोकसभा में जाने का मौका मिला ही नहीं। बिना किसी चुनाव लड़े भी सत्ता में भागीदार रहे। जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के गुण गाते थे, गाने भी चाहिए। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो भारतीय जनता पार्टी के गुण गाए, गाने भी चाहिए। जब वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में रहे तो उन्होंने कहा कि कभी जीवन में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती अब। और अब जब उनकी चर्चा चल रही है एक बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की, तो फिर उनकी प्रेम प्रींगें बढ़ रही हैं वापस कांग्रेस के साथ। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के पावर मिनिस्टर रंजीत सिंह चौटाला की, बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, चौधरी देवीलाल के बेटे रंजीत सिंह चौटाला। रंजीत सिंह चौटाला 1980 के दशक से हरियाणा की राजनीति में और उससे पहले से भी सक्रिय हैं। 1980 के दशक में राजनीति में सक्रिय रहते 1987 में पहली बार वो सिरसा जिले की रोड़ी विधानसभा सीट से विधायक बने थे। विधायक बनकर अपने पिता चौधरी देवीलाल की वजारत में वो वजीर भी बने, अपने बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला की वजारत में भी वजीर बने, लेकिन वहाँ पर उनका मन मिला नहीं। अपने पिता और भाई से बगावत करके वो चले गए थे कांग्रेस में। 1990 के दौरान में उनको राज्यसभा का सदस्य चुना गया था, राज्यसभा के सदस्य बने थे, वो भी चौधरी देवीलाल के अपने परिवार से ही, यानी कि उसके बाद में वो राजनीति के अंदर उन्होंने कई चुनाव लड़े। मैंने आपसे बताया कि सीट बदल बदल कर चुनाव लड़े, कभी आदमपुर से चुनाव लड़ा, कभी उन्होंने रानिया से चुनाव लड़ा, कभी रोड़ी से चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी चुनाव में जीत नहीं मिली। आप माने तो ओम प्रकाश चौटाला के भाई जो रंजीत सिंह चौटाला, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बगावत की थी, अपने भाई से अलग हुए थे ओम प्रकाश चौटाला से। चौधरी देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाया तो रंजीत सिंह चौटाला बागी हो गए। कांग्रेस के अंदर वो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन, जो कैबिनेट रैंक आती है, वहाँ तक रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना दोस्त बताया करते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहते थे कि बड़ी अच्छी दोस्ती है, हालांकि वो दोस्ती उन्होंने चुनाव आज़ाद लड़ने के बाद और भाजपा सरकार में वजीर बनने के बाद भी मानी। 2019 का चुनाव रंजीत सिंह चौटाला ने इंडिपेंडेंट लड़ा, उनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी का, तो उन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ा। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के रानिया से चुनाव वो जीत गए। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके भाजपा ने उनको बदले में बनाया हरियाणा का बिजली मंत्री। पावरफुल महकमा, पावर का महकमा, बड़ा पावरफुल महकमा है। मनोहर पार्ट 1 की जो 2 की सरकार थी, मनोहर पार्ट 2 की सरकार, मनोहर लाल ने 2019 से और 24 के लिए, जिनको पूरा जनादेश तो नहीं मिला था लेकिन जनादेश था उस सरकार के अंदर, क्योंकि निर्दलीय विधायक चुने गए थे, समर्थन दिया और समर्थन देने के बदले में उनको मिली पावर मिनिस्ट्री। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रंजीत सिंह चौटाला को अपना कैंडिडेट बनाया हिसार लोकसभा के लिए। बोल कई बार बेबोल हुए रंजीत सिंह चौटाला के, कई बार उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर भी कई बातें कही। अब 2024 का लोकसभा चुनाव वो हार गए, भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को हार गई, रंजीत सिंह चौटाला हिसार से हार गए। और रंजीत सिंह चौटाला के चुनाव हारने के बाद में उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी अपने पार्टी के आला कमान को, कुलदीप बिश्नोई के बारे में लिखी, गोपाल कांडा के बारे में लिखी, कैप्टन अभिमन्यु के बारे में लिखी, तमाम नेताओं के लिए उन्होंने चिट्ठियां लिखी कि भाई नेताओं ने समर्थन नहीं किया। उनकी चिट्ठियों को लगता है कि ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 3 कमेटियां गठित की चुनाव को लेकर के, इलेक्शन कमेटी, इलेक्शन कैंपेन कमेटी, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, वो तमाम कमेटियां, एक भी कमेटी में रंजीत सिंह चौटाला को जगह नहीं मिली। इधर बात चल पड़ी कि जो हलोपा है, हरियाणा लोकहित पार्टी जो है गोपाल कांडा साहब की, कि उस पार्टी का अलायंस हो रहा है क्योंकि वो एनडीए का पार्ट है। गोपाल कांडा 15 सीटों से शुरू हुए हैं,
और 15 सीटों से घटते घटते शायद उम्मीद है कि वो 2-3 सीटों पर फैसला हो जाएगा। अब पिछले दिनों गोपाल कांडा ने रानिया, जो रंजीत सिंह चौटाला की सीट है, वहाँ से अपने बेटे धवल कांडा को कैंडिडेट बना दिया। बस यहीं से गुस्सा हो गए रंजीत सिंह चौटाला, और रंजीत सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मेरा असर है, चुनाव तो मैं लड़ूंगा, भाजपा वाले अपनी देख लें। गोपाल कांडा के बारे में कहा कि गोपाल कांडा को पूछता कौन है, उनकी पार्टी में क्या है, वो तमाम बातें कहीं। जब गोपाल कांडा के लिए कहा तो गोपाल कांडा कहाँ चूकने वाले थे, उन्होंने ऑडियो वायरल कर दिया, अपना ऑडियो लीक उन्होंने जारी किया, और उसमें कहा कि रंजीत सिंह चौटाला किसी वहम में ना रहें। मैं आपको बताऊं, 2019 का जो विधानसभा चुनाव था, गोपाल कांडा भी कह रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स घटनाक्रम में, पॉलिटिकल घटनाक्रम में, उनका भी यही मानना है। रंजीत सिंह चौटाला जो 2019 में विधायक बने निर्दलीय, राजनीतिक लोग कहते हैं कि ताऊ देवीलाल का सारा परिवार रानिया में इकट्ठा हो गया था, चाहे वो दुष्यंत चौटाला एंड कंपनी, यानी कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और छोटे वाले दिग्विजय चौटाला, और दूसरी तरफ थे तो फिर अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी का भी हाथ सहारा मिला, यानी कि सब ने कहा कि भैया चाचा को, ताऊ को बना दो एक बार विधायक, बहुत दिन हो गए। 1987 के बाद नंबर लगा 2019 में, यानी कि 1987 का चुनाव जीते थे, 87 के बाद देखें तो आप 87 से 97 10 साल, 97 से 2007 20 साल, 2007 से 2017 30 साल, 32 साल बाद चुनाव जीते, परिवार के सहयोग से, परिवार के समर्थन से। और उसके बाद में रंजीत सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बीच में भी खटास शुरू हो गई। अब चर्चाएं हैं कि रानिया से चुनाव लड़वा रहे हैं अभय सिंह चौटाला अपने बेटे अर्जुन चौटाला को, जिस रानिया पे चचा की मदद की थी, अब अपने बेटे को, यानी कि दादा को पोता चुनौती देने की कहानी चल रही है, वहाँ ये बात चल रही है। इधर धवल कांडा आ गए, अब चर्चा है कि रंजीत सिंह चौटाला वापस उसी पार्टी में जा रहे हैं जिसके लिए कहा था कि कांग्रेस के पल्ले कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं कांग्रेस का। बड़ी चर्चाएं हैं कि वो एक दो दिन में संभवतः कांग्रेस ज्वाइन कर लें। कुछ लोग कह रहे हैं वो इंडिपेंडेंट लड़े, कुछ लोग कह रहे हैं वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं। अब वो कांग्रेस में जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, ये जरूर है कि उनको जब कहीं भी जाएंगे, जब वो चुनाव मैदान में होंगे, तो उनको बताना पड़ेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी, जिसके लिए बहुत कुछ कहा करते थे, वो बात क्यों बदली। और वैसे मैं आपको बताता चलूं कि राजनीति के अंदर कुछ भी स्थायी तो जीवन में कुछ भी नहीं है, चाहे राजनीति है, चाहे व्यापार है, चाहे आपकी समाज नीति है, कोई भी कार्य है, स्थायी तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक दिन चले जाना है। लेकिन रंजीत सिंह चौटाला का यूं चले जाना है क्या, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी पिछले दिनों बिल्कुल घी शक्कर हुए जा रहे थे, और अब उनके बारे में बात तो आप मान लीजिए, तय मान लीजिए, अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में वो कह चुके हैं कि चुनाव तो रानिया से ही लड़ूंगा, और ये भी कह दिया कि ये चुनौती, धमकी, चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को कि मेरा 90 की 90 सीटों पर असर है, कितना असर है चुनाव में पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, रंजीत सिंह चौटाला क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और या फिर कांग्रेस में जाएंगे? कांग्रेस में जाएंगे तो फिर रंजीत सिंह चौटाला कैसे कहेंगे कि कांग्रेस आ रही है, क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि कांग्रेस तो दूर तक भी कहीं नहीं है। और सबसे प्रमुख बात, क्या 2019 के चुनाव में वाकई अपने परिवार के सहयोग समर्थन से रंजीत सिंह चौटाला चुनाव जीत पाए थे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।